वेलकम बैक। हम सॉल्व कर रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 9th एग्जामिनेशन अप्रैल मई 2018 फिजिक्स पेपर 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इस वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दी गई है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्टर्ब्ड एंड इट डजंट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन देन द बॉडी विल बी इन। अगर हम किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं, सपोज़ के हम एक पेन ड्रॉ करते हैं और अगर हम पेन को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो पेन क्या हो जाएगी, ऐसे टर्न हो जाएगी, मूव करना, गिरना स्टार्ट करेगी। अगर ये गिर ऐसे थोड़ा टिल्ट होके अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ रही और गिरने लगती है, दैट मीन्स कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर ये स्टेबल होता है तो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन 3 इज़, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12। वाइल डिगिंग अ माइनर मूव्स 25 किलोमीटर डीप डाउन इन अ कोल माइन। कंपेयर टू हिज एक्चुअल वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हिज वेट इनसाइड द कोल माइन विल बी। ये कह रहा है कि अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ है, अगर वो उसे डीप 25 किलोमीटर जा रहा है एक कोल माइन में, तो उस बंदे का वेट क्या होगा। अब वेट का जो फार्मूला होता है वो एम जी होता है, यानी कि वेट डिपेंड्स अपॉन जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने याद रखना है कि जब ये सरफेस ऑफ अर्थ है उससे हम डाउनवर्ड आएँ, यानी कि डीप आएँ, डेप्थ में जाएँ, या फिर हम किसी भी ऊपर जाएँ सरफेस पे, यानी कि एल्टीट्यूड पे जाएँ, तो इन बोथ कंडीशंस जी जो है वो डिक्रीज होती है। अगर जी डिक्रीज होगी कि दैट मीन्स कि उसका वेट भी डिक्रीज ही होगा, तो 12 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वेरीज विद द। ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, ये कैसे वेरी करती है। इट वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से हम जो भी डिस्टेंस लेंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, तो उस हिसाब से जी का वैल्यू वेरी करता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड, ये सन है और ये कोई प्लैनेट है तो उसके अराउंड प्लैनेट जो है अपने ऑर्बिट में ऐसे मूव करता है सन के अराउंड, तो वो क्यों मूव करता है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट्स एंड सन, जो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 15। फोर्स एफ इज़ अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक अक्रॉस अ स्मूथ सरफेस फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई इज शोन इन द गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम में दिखाया गया कि एक बॉक्स पहले एक्स पोजिशन में है, देन वो मूव करके वाई पोजिशन तक गया, यानी कि इस बॉडी ने कवर किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ अबाउट 100 meters। फोर्स अप्लाई किया है हमने 20 newtons, तभी जाके ये मूव हुआ है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, इस अप्लाइड फोर्स से वर्क कितना हुआ। वी नो द वर्क फार्मूला, W इज इक्वल टू एफ इंट डी, यानी कि हम फोर्स को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 × 100 इज इक्वल टू 200 joules ऑफ वर्क इज डन। क्वेश्चन नंबर 16। अ मेटेलिक बॉल इज ड्रॉप्ड फ्राम अ सर्टेन हाइट इज शोन इन द गिवन फिगर। नेगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल विल बी। इसमें कह रहा है कि एक बॉल है, इसको हमने ड्रॉप किया है, ये बॉल जो है पहले टॉप पे है 1 position, ये सेकेंड पोजिशन वो एयर में मूव करा है 3rd position एंड दिस 4th position फ्लोर पे वो पहुंच गया। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल जो है वो हर जगह पे 1, 2, 3, 4 पे कॉन्स्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। टोटल एनर्जी सेम होने का मतलब ये है एट ऑल पोजीशंस के वो एनर्जी जो है टोटल एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास दो टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम एट एवरी पॉइंट विल बी इक्वल होगा, यानी कि वो टोटल एनर्जी जो है सेम रहेगी हर पॉइंट पे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17। द साइकिल इन विच कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एट फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशंस इज। फॉसिल फ्यूल्स पावर स्टेशन पे एनर्जी कन्वर्जन, क्योंकि वी नो दैट एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, इट इज़ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन हमेशा एनर्जी कंजर्व रहती है। तो फॉसिल फ्यूल्स पे क्या होगा पावर स्टेशंस पे, कि फॉसिल फ्यूल्स की होगी बर्निंग, उसके बर्निंग से जनरेट होगी हीट एनर्जी, हीट एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में,
क्योंकि पावर स्टेशंस को रन करना होता है, पावर स्टेशंस को रन करने के लिए हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, एंड देन फाइनली पावर स्टेशंस पे जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 18. थ्री डिफरेंट बॉल्स ऑफ द सेम डायमीटर आर इमर्स्ड इन वाटर कम्प्लीटली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अपथ्रस्ट एग्जर्टेड बाई वाटर ऑन द बॉल्स. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन तीनों बॉल्स में से सबसे ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स किस पे लगेगा. एक जो मटेरियल है हमारे पास, ये जो हमारा बॉल है ये कॉर्क का बना हुआ है, ये आयरन का, ये लीड का. जितना डेंसर ऑब्जेक्ट होगा वो सिंक होता है क्योंकि उसका अपथ्रस्ट कम होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसका मास ज़्यादा होता है तो उसका वेट भी ज़्यादा होता है. अब कॉर्क जो है वो लाइटर ऑब्जेक्ट है, उसका वेट क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू दी सॉलिड मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. तो इन पे अपथ्रस्ट क्या होगा, कम होगा. जो नेट फोर्स होगा वो अब वेट को माइनस करेंगे हम अपथ्रस्ट के साथ. इसमें जो है कॉर्क में, क्योंकि कॉर्क लाइट वेट है तो इस पे अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो ये जाके क्या होगा, फ्लोट होगा. तो ऑप्शन जो है हमारा वो है ये है कि कॉर्क है, बॉल हैज़ द मैक्सिमम अपथ्रस्ट क्योंकि उसका वेट कम है, उसकी डेंसिटी कम है इसलिए. क्वेश्चन नंबर 19. अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर पार्टिकल्स मूव रेंडमली विद हाई वेलोसिटीज इन. पार्टिकल्स जो हैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में से सबसे जो हाई वेलोसिटी से और रेंडमली मूव करते हैं वो गैस के पार्टिकल्स होते हैं. तो ऑप्शन 12 इज करेक्ट. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉजिंग चेंजेस इन इट्स शेप एंड साइजेस कर. फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी एरिया पे जब हम फोर्स अप्लाई करें और उस ऑब्जेक्ट की शेप या साइज में चेंज आए तो हम उसको कहते हैं कि हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है, क्योंकि स्ट्रेस कॉजेज द चेंज विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेन. क्वेश्चन नंबर 21. मर्करी इज़ कॉमनली यूज इन ग्लास थर्मामीटर बिकॉज इट. मर्करी कॉमनली ग्लास थर्मामीटर में हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मर्करी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दैट्स वाई इट इज़ यूज, इसकी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होती है. क्वेश्चन नंबर 22. इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीग्रेड दैन इट्स टेम्परेचर इन केल्विन स्केल विल बी. अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड स्केल में है तो उसका केल्विन स्केल में क्या होगा. केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम सेंटीग्रेड को प्लस करते हैं 273 के साथ. तो अगर 273 के साथ हम प्लस करें तो आंसर होगा 293 केल्विन. क्वेश्चन नंबर 23. व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेसल ऑफ बॉइलिंग वाटर द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी. कह रहा है कि अगर हमारे पास एक बॉइलिंग वाटर है उसमें हम ऐड कर रहे हैं स्मॉल पीस ऑफ रेड हॉट आयरन तो क्या टेम्परेचर द वाटर चेंज होगा, इज विल इट इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कॉन्स्टेंट और बिकम सेम इज आयरन. तो अगर बॉयलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर होता है नॉर्मली 100 सेंटीग्रेड, तो बॉयलिंग वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. क्वेश्चन नंबर 24. एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज. गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज फ्रैंक पैन, क्योंकि ग्लास डोर इंसुलेटर, वुड इज इंसुलेटर, लेदर जैकेट इट्स इंसुलेटर. क्वेश्चन नंबर 25. द वेंटिलेटर इन अ रूम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. रूम में जो वेंटिलेटर लगे होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन. यहाँ पे हमने क्लास 9th का फिजिक्स पेपर 1 2018 का पूरा सॉल्व कर लिया है. I hope you liked the video. We'll get back to you soon in another video. Till then, bye. Allah Hafiz.